दोस्तों, टेक्निकल वीजे के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा आप अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए एक बहुत ही अच्छा सा थंबनेल कैसे बना सकते हैं दोस्तों, वो भी पिक्सआर्ट से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वीजे के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फोटो एडिटिंग की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए फ्री में। दोस्तों, पहले तो आप अपना पिक्सआर्ट ओपन कर लीजिए। और दोस्तों, पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद देखिए प्लस का आइकन है दोस्तों, हमें प्लस के आइकन पर दबाना है। और दोस्तों देखिए, ड्रॉ का ऑप्शन है, हमें ड्रॉ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों देखिए, स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन है दोस्तों, हमें स्टार्ट ड्राइंग पर दबा देना है। और फिर दोस्तों आप इसको इधर कीजिए। और दोस्तों देखिए, 16 और 9 का ऑप्शन है दोस्तों, हमें ए वाला सेलेक्ट कर लेना है। और फिर दोस्तों एरो के बटन पर दबा देना है। फिर से दोस्तों एरो के ऑप्शन पर दबा दीजिए। और फिर दोस्तों एडिट इमेज पर दबा दीजिए। फिर दोस्तों देखिए, टेक्स्ट का ऑप्शन है, हमें टेक्स्ट के ऑप्शन पर दबाना है। और फिर दोस्तों यहाँ से आई सेलेक्ट कर लेना है, तो कोई सा भी कलर दे दीजिए, आपको जो कलर पसंद आते हैं वो आप कलर दे दीजिए। और फिर दोस्तों टिक कर दीजिए और इसे जूम कर दीजिए फुल स्क्रीन में। और ये दोस्तों बैकग्राउंड हो गया हमारा। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी लिखना है वो आप दोस्तों लिख सकते हैं, जिस भी टॉपिक के आप वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों, आप वो यहाँ पर थंबनेल बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं दोस्तों, ए वाला में थंबनेल बना रहा हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। आप कोई सा भी थंबनेल बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। और फिर दोस्तों इतना लिखने के बाद टिक कर दीजिए। और दोस्तों आप अपने हिसाब से जूम कर लीजिए, जितना भी आप जूम करना चाहते हैं। टेक्स्ट का कोई बैकग्राउंड देने के लिए फिर से प्लस के आइकन पर दबाना है और दोस्तों टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है। और फिर दोस्तों हमें आई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आप बैकग्राउंड के लिए कोई सा भी कलर यहां पर आप दे दीजिए। और फिर दोस्तों टिक कर दीजिए। और दोस्तों इस टेक्स्ट का कोई बैकग्राउंड आप दे दीजिए आप अपने हिसाब से। और दोस्तों आप ऊपर पर लगा दीजिए। और फिर दोस्तों इस टेक्स्ट को आप उस पर उसके ऊपर पर लगा दीजिए। और दोस्तों देखिए, स्टॉक का ऑप्शन है, आप स्टॉक के ऑप्शन पर दबाकर आपको जैसा अच्छा लगे उतना स्टॉक आप दे दीजिए दोस्तों। एक हो गया अपने YouTube वीडियो के लिए। और दोस्तों दूसरे में आप लिखिए। अच्छा सा थंबनेल। और दोस्तों मैं टिक कर देता हूँ। और फिर दोस्तों इसके लिए भी आप कोई सा भी बैकग्राउंड चूज कर लीजिए टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाकर, और आई सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर दोस्तों इसका भी कोई बैकग्राउंड आप दे दीजिए, आपको जिस भी बैकग्राउंड को पसंद है आप वो बैकग्राउंड यहाँ पर आप दे सकते हैं। और दोस्तों आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी इसे लगाना चाहते हैं आप वहाँ पर लगा दीजिए। और दोस्तों इस
टेक्स्ट को आप उसके ऊपर पर लगा दीजिए। दोस्तों इसका भी कोई स्टॉक आप दे दीजिए। दोस्तों टेक्स्ट का आप कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो टेक्स्ट का आप कलर दे दीजिए। और फिर दोस्तों इसे भी आप टिक कर दीजिए। दोस्तों अभी इतना तो हो गया अपने YouTube वीडियो के लिए अच्छा सा थंबनेल। और दोस्तों फिर हमें लिखना है कैसे बनाते हैं। और दोस्तों इसे आप टिक कर दीजिए। और दोस्तों इसका भी आप कोई सा भी बैकग्राउंड दे दीजिए। दोस्तों प्लस के आइकन पर दबाकर टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाकर और दोस्तों आप आई सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों इसका भी आप कोई कलर दे दीजिए। और दोस्तों आप अपने हिसाब से लगा लीजिए जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं। और दोस्तों टेक्स्ट को यहाँ पर लगा देता हूँ और दोस्तों इसका भी कोई स्टॉक दे देता हूँ अपने हिसाब से। दोस्तों ऐसे करके ही आप अपना अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी थंबनेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों ये हमारा थंबनेल क्रिएट हो गया है। दोस्तों मैंने तो ऐसा ही थंबनेल बनाया है, लेकिन दोस्तों आप बहुत अच्छा थंबनेल बना सकते हैं अपने हिसाब से जिस भी वीडियो का आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।